तो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दिशा में केंद्र सरकार ने पूरे देश को 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया है। इसी के चलते बाड़मेर के समदड़ी स्थित अमृत अस्पताल के संचालक टीकम सिंह राजपुरोहित और उनकी टीम ने आमजन को सैनिटाइज, मास्क और कैप वितरित किए हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना के चलते बिगड़ते हालात को देखते हुए एवन टीवी संवाददाता प्रेम सोनी ने लोगों को जागरूक करना शुरू किया था। ऐसे में स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभालते हुए सैनिटाइज, मास्क और कैप का वितरण किया है। वहीं क्षेत्र में अभी तक सफाई कर्मचारियों के लिए भी कोई सावधानी नहीं बरती गई है। यहाँ सफाई कर्मियों को किसी तरह के सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराए गए हैं, जिसके चलते लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। हमारी टीम जैसे मैं और भाई जोगाराम जी देवासी जो युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भी है वो भी हमारे साथ में थे, उनकी पूरी टीम भी साथ में थी। तो मैंने उनको कहा कि भाई जो भी हमसे सहयोग बनेगा, हमारी ओर से सहयोग बनेगा, हम करने की पूरी कोशिश करेंगे, हमारी टीम करेगी। और जो 2-4 दिन पहले और भी जैसे खंडप गाँव में भी था, एक कार्यक्रम था, तो वहाँ भी हमारे जो स्थानीय संवाददाता एवन टीवी के प्रेम जी सोनिया, उन्होंने हमें मोटिवेशन किया था कि भाई साहब अगर इस ढंग की अगर यहाँ सुविधा हो तो ये हरिजन है, सफाई कर्मचारी है और भी जो कर्मचारी है जो सैनिटेशन नहीं कर रहे हैं, मजदूर वर्ग है, उनमें अगर ये वितरण हो तो सरकार की ओर से अपन कितनी आशा कर सकते हैं। अपन अपनी ओर से भी कुछ करें तो उनका भी मोटिवेशन, एवन टीवी का भी मोटिवेशन बहुत अच्छा रहा। मैं जो आज मास्क दिए गए है ये अमृत हॉस्पिटल की तरफ से दिए गए, ग्राम पंचायत समदड़ी की ओर से अभी तक हमें कोई भी उपकरण उपलब्ध नहीं कराया गया। हमें 7 दिन हो गए, हमने ग्राम सेवक जी को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी ग्राम सेवक हमारे सफाई कर्मचारी के प्रति कोई भी रुचि नहीं ले रहा। कई बार हमने कहा भाई साहब हमें उपकरण ला के दो, हमें भी कोरोना हो सकता है। ये कहते हैं भाई सफाई करनी करो नहीं तो आप हाजिर कट जाएगी। इतने भी गंभीर है नहीं है ये कि भाई हमारी जान जोखिम में हम डाल